हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं नोकिया का नया मोबाइल फ़ोन नोकिया 5 और इसका ऑनेस्ट रिव्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोन देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा है और इस उठाने पर यह फ़ोन थोड़ा भारी है और इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि मजबूत बॉडी नोकिया ने बनाई हुई है। इसे आप जब हाथ में लेते हैं तो फील आता है कि ये काफ़ी अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि ये मेड इन इंडिया फ़ोन है। हाँ, तो और इसके कर्व जो है किनारे जो साइड से वो कर्व है, इस पर वॉल्यूम रॉकर की और पावर की है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर, एक छोटा सा माइक और 2.0 OTG चार्जर के लिए USB पोर्ट, मिनी USB पोर्ट मिल जाएगा। एक सिम ट्रे और एक मेमोरी कार्ड ट्रे दी हुई है। ऊपर में आप एक 3.5 mm ऑडियो जैक पाते हैं। पीछे में एक कैमरा विथ LED फ्लैश। मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इसमें एंड्रॉयड है जो है पड़ा हुआ है। तो जब हम इसके मेनू को खोलते हैं तो इसमें हमें आइकन्स जैसे कि लावा वगैरह के फ़ोन में आइकन दिखता हुआ है वैसे ही दिखता है। एक वाइट कलर के बैकग्राउंड पर लाइन से ऐप्स, इसका डायलर वगैरह जैसे आप लाइफ का मोबाइल देखे होंगे जो जियो का आता है लाइफ, उसके तरह एकदम डायलर दिया हुआ है SABD ऐसे करके। इसमें जो है आपके कॉन्टैक्ट शो करते हैं डायलर में। और वैसे फ़ोन अभी तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, मैं पिछले एक दो महीनों से इसे यूज कर रहा हूँ। कैमरा वगैरह भी ठीक है, जैसे और इस रेंज के मोबाइलों में आपको कैमरा मिलता है वैसा कैमरा ही इसमें भी आपको मिल जाएगा। बट स्क्रीन थोड़ी नैरो है। तो वैसे तो ये मार्केट में 13,000 रुपये का फ़ोन है लगभग, तो 13,000 रुपये में मेरे हिसाब से आपको और भी सारी कई जो है मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से सबसे अच्छा ऑप्शंस मेरे हिसाब से आपके लिए MI नोट 4 4GB 64GB वाला होगा, जो आजकल आपको 9,000 रुपये में भी मिल जा रहा है। उसमें आपको 4GB की रैम मिलती है, लैगिंग वगैरह की कम होता है। इसकी डिज़ाइन की बात कर लें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, आपके हाथों में आराम से आ जाता है। देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।